सीधा देसे होला मैं ना वहीं से मंगवा लेता हूँ। एंड आई लव द सूट, मतलब इसने मंगवाया बट मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छा आएगा। चीयर्स टू आवर डिनर डेट। ये बोलते रिचा के मैं डाइटिंग कर रही हूँ और समझी एक बार पता मैंने अपना वेट 53 केजी कर लिया था जब मैं कॉलेज टाइमिंग में थी, तो मैं अंडर वेट हो गई। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिचा एंड सॉरो वर्ल्ड। तो सबसे पहले आपको लंदन का वेदर दिखाते हैं। कहने को समर्स है हाँ। पर समर्स का कोई नामो निशान नहीं होता। एक तरफ बारिश हो रही है, हल्की सी धूप भी निकली हुई है, कुछ समझ नहीं आता वेदर का। वैसे इस चीज को ना हमारे पंजाब में क्या बोलते हैं, काना मी, जैसे बोलते हैं बारिश भी हो रही है और धूप भी चढ़ी हुई है, जैसे थॉट बने हुए हैं बट ऐसा कुछ है नहीं है। बट लंदन का वेदर इज, ये समर्स है और उसमें भी मैंने स्वेटर पहनी हुई है, हिसाब लगाओ आप। वी कैन अंडरस्टैंड। तो फिलहाल अभी बस आपको एक वेदर का नमूना दिखाना चाहते थे कि दिस इज अस थिंग। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम रेडी होके, मतलब मैं रेडी हो चुकी हूँ, सौरभ को रेडी होना है, रेडी होके हम लोग निकलते हैं बाहर, क्योंकि आज हमें दो तीन चीजें करनी है। एक मीटिंग अटेंड करनी है, एक डिनर डेट पे जा रहे हैं। तो कि सौरभ रेडी हुआ कि नहीं, देखो लड़का आज शर्ट वर्ट पहन के। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि अभी हम ना एक्चुअली निकले, एक सौरभ की कोई ऑफिशियल छोटी सी मीटिंग है एंड दैट्स व्हाई ही इज इन अ बिजनेस सूट। और हमारी भी एक डेट है, हम जो दोनों जा रहे हैं, तो हमने सोचा चलो टू इन वन कर लेते हैं। यार मैंने ना ये ब्रांड है एक नया ऑल द मैन, अमेज़न से ना ये सूट मंगवाया है। ओके okay. इसका मतलब बेस पे तो क्या था कि आप जाके शॉप पे जाके तो ले ही सकते हो, अभी फिटिंग फुटिंग करा सकते हो। ये आलसी था जैसे बोला मैं ना वहीं से मंगवा लेता हूँ। एंड आई लव द सूट, मतलब इसने मंगवाया बट मुझे लग नहीं रहा था कि अच्छा आएगा, बट इट इज फैब, अच्छी है और इसके ना बहुत बेनिफिट्स भी हैं। पहली बात तो बहुत ही अच्छे स्टाइल है, बिल्कुल फिटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। इसकी जो पैंट्स है इसमें इलास्टिक है, तो मतलब फिटिंग वाइज वेस्ट वाइज तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। ओके तो मतलब तुम मोटे पतले भी हो तो कोई चक्कर नहीं है। अभी पार्टी करके जाऊंगा तो उसके बाद हल्का सा मोटा भी हुआ तो उसको एडजस्ट कर लेगा, ठीक है। तो सबसे अच्छी मुझे इस सूट की जो चीज लगी कि इसको पहले तो तुम टाई के साथ भी पहन सकते हो, नीचे वेस्ट कोट भी पहन सकते हो, के साथ ये टक्सीडो स्टाइल में बन जाता है। हाँ, नीचे वेस्ट कोट भी पहन सकते हो। बिल्कुल जी, एंटी फेडिंग टेक्नोलॉजी है तो भैया फेड नहीं होता इसका कलर। अच्छा जी, तो वो भी एक अच्छा है। और तीसरी हमारी को ये है कि इसकी जैसे ऑफिस पार्टीज होती है तो वहां भी चलेगा, एंड फोर्थ इम्पोर्टेंट वेडिंग आउटफिट्स के लिए भी बहुत अच्छा है। अभी जैसे हम इंडिया भी जाने वाले हैं थोड़े महीने तक, जल्दी आपको हमारे इंडिया वाले व्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे, बिकॉज हमारी क्या कहते हैं सिस्टर कजन सिस्टर की वेडिंग है, एंड गोइंग टू बी धमाल। पंजाबी वेडिंग तो यार बेस्ट होती है वैसे भी, धमाल तो पंजाबी वेडिंग दी बेस्ट होती है। और स्पेस वाइज बहुत अच्छा, देखो ये पॉकेट्स है यहाँ पर, ठीक है, ये फॉल्स ब्रेस्ट पॉकेट है, यहाँ पर एक बार भी लगा ऐसे लगता है जैसे हैंडकरचीफ वाला डिजाइन होता। और पैंट में पॉकेट्स है, पैंट में भी चार पॉकेट्स है आगे पीछे, तो फिटिंग वाइज स्पेस वाइज सब कुछ एकदम मस्त है। तो भाई हम रेडी है, ये पहले अपनी छोटी सी मीटिंग करेगा विच, और मैंने तो सिंपल अपना व्हाइट ट्राउजर और ये थोड़ा सा स्वेटर पहना क्योंकि बाहर हो रही है बारिश। तो वी आर रेडी, आर यू रेडी सौरभ? यस भाई चलो निकलो, भूख लग रही है, निकलते हैं। चलो पहले तो तुम्हें मीटिंग करनी है, इसके बाद डेट पे जाएंगे, आधा घंटा वहां भी लगने तो वाले। अभी हम निकलते हैं गाइस और बाहर जाके आज करते हैं अपना दिन स्पेंड। चले तुम्हारे छोटे हाथी में, छोटा हाथी बोलता है ये इसको अपनी गाड़ी को। हर चीज पे ना निकलने डालने की आदत है, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, मोटा हाथी, पतला हाथी, सतला हाथी। सौरभ ने यहाँ सेंट्रल लंदन में एक छोटी सी मीटिंग करनी थी, वो कर ली है। हाँ। अभी हम हैं किंगस्टन अपॉन थेम्स के पास और अभी हम जा रहे हैं अपनी डिनर डेट पे। लाइक इट्स अ काइंड ऑफ डिनर जिसको हम डेट बोल ही जा रहे हैं क्योंकि इसने भी सूट बूट पहना होना, इसलिए तो हम जा रहे हैं यहाँ का एक इंडियन रेस्टोरेंट है दैट रोजाना, वहाँ पे जा रहे हैं ट्राई करने के लिए खाना। एंड आज हम बहुत बिजी दिन था होपफुली हमारा खाना और डेट अच्छी रहे, हमें कुछ इंडियन स्पाइसी खाने का मन हो रहा है, तो लेट्स गो देयर। तो आज हमारी डिनर डेट हो रही है रोजाना, बीबी रोज आना। दिस इज फाइन रीजनल इंडियन क्यूजीन, काफी अच्छे अच्छे मेन्स और ये सब मिल जीते हैं। दिस इज द रोजाना और ये देखो, वाह वाह, तो बहुत अच्छी है ना, बढ़िया की हुई है।
हेलो हाय 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 तानिया तनाया नाइस टू मीट यू हाउ आर यू गुड गुड हेलो नाइस टू सी यू थैंक यू सो मच हाउ वाज योर जर्नी गुड या या गुड वी जस्ट लुकिंग फॉर द पार्किंग अराउंड यू गॉट इट यस वी गॉट इट ओके गाइस तो हम लोग रोजाना के अंदर आ चुके हैं सी द रेस्टोरेंट इज वेरी 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 स्वीट और हम लोगों ने ना यहां देसी दारू का ना एकदम अलग ही चीज है जो कि है देसी दारू जो कि इनकी ना एकदम स्पेशलिटी है एकदम जकास और मैंने लिया है वर्जिन मोहितो एंड आई लव दिस थिंग रोजाना फाइन रीजनल इंडियन कुजीन इनकी सबसे पहले अच्छी स्पेशलिटी होता है कि इनके पास हर महीने एक नया मेन्यू होता है जो रीजनल मेन्यू है इनका बेसिकली ऐसे इस बार का इनका मुंबई थीम था कभी इनका राजस्थानी थीम आएगा कभी गुजराती थीम होता है तो एंड दिस इज लाइक अ प्रॉपर फुल मेन्यू तो हमने अभी स्टार्टर्स में फॉर आवर डिनर डेट भी ऑर्डर्ड पाव भाजी जो इनका स्पेशल है आज का एंड देन सम पनीर एंड सम कॉर्न समोसा जो कि बहुत अलग ही चीज है यार यूनिक एकदम चीयर्स टू आवर डिनर डेट गाइस प्लीज इस पे मत जाइएगा कि ये डिनर डेट नहीं है देखो ये बाहर धूप है क्योंकि अभी 8 बज चुके हैं और यहाँ पे 9:30 तक धूप ने अंधेरा नहीं होगा सो प्लीज डोंट गो बाय दीज कि अंधेरा हो नहीं रहा तो फिर हमें खाना पड़ेगा ये और ऑप्शन नहीं है तो भाई ऐसा है हम तो कर रहे हैं इंजॉय आज का हमारी डिनर डेट से तो ऐसी हो गई है कि लगता ही नहीं डिनर डेट है क्योंकि बाहर अंधेरा ही नहीं होता ये दैट्स कहते हैं ना वन ऑफ द वर्स्ट थिंग क्योंकि यार जब तक अंधेरा नहीं होगा वो डिनर वाली फीलिंग नहीं आती बट अब हमें जल्दी खाना खाने की आदत पड़ चुकी है तो फिर अभी खत्म कर रहे हैं 9 बजे तक तो वैसे खत्म हो इट्स वेरी नाइस और अभी हमारा आ गया है मेन मेन्यू We have chana, we have keema, vegetable keema, and then this palak paneer, vegetable biryani, and then dal makhani, and then dahi with biryani. और ये है गाली परांठा साथ में पापड़ ये हमारी डिनर डेट और यही कि वो हो रहा है पेट पेट भराई जो भी है हमने इतना चूस चूस के खा लिया ना बट मुझे पता है ये भी थोड़ा पैक ही होने वाला है क्योंकि इतना खाया नहीं जाएगा ये हमारा डिनर है फिर उसके बाद चलते हैं घर करके और क्या तो गाइस अगर आपको ऑथेंटिक इंडियन टेस्ट चाहिए तो आप रोज़ाना मतलब रोज़ आओ यहाँ पे रोज़ाना में आके ट्राई कीजिए दैट्स वेरी नाइस एंड वी शुड रेकमेंड ओ माय गॉड लुक्स सो यम्मी क्यों ये बोलते रिचा के मैं डाइटिंग कर रही हूँ और सब्जी डाइटिंग है ये एक मिनट इसमें कौन जो ज़्यादा खा रहा है तो बाकी सब क्या करना है पैक हो जाएगा डाइटिंग होती है और क्या होता है आप बताना गाइस इसमें मैंने एक्स्ट्रा क्या खाया खाना खा लियो तुम्हारे को 200 नहीं खाना चाहिए ट्रेडिशनल मलाई कुल्फी फलूदा एंड हु डज नॉट लाइक फलूदा राइट सो I love to eat these, you know, noodles. They go very nice and this is all-time favorite. One yeah. table definitely has malai kulfi falooda. Thank you so much. अड्डे नो हो गया और अभी अभी देखना अंधेरा अभी होना भी नहीं स्टार्ट हुआ और हमारी डिनर डेट भी खत्म हो गई भैया डिनर हो गया डेट भी होगी तो अभी हम लोग चल रहे हैं घर क्योंकि हम ना अभी थक गए आजकल हम थोड़ा जल्दी सो जाते हैं जल्दी खाना खाते हैं क्या हो गया नहीं नहीं वो थोड़ा सेट कर रहा था अच्छा गाड़ी भी गंदी हुई धोने वाली धुलवा लेता हूं यार इसको भी चलो फिर निकलो यार नींद आने लगी यार हमने इतना खा लिया ना कि मेरा तो पेट ही अंदर मैं पतली हुई थी तो मैं फिर से मोटी हो गई हूँ कल वेट चेक करूंगी नहीं मैं तो आप मुझे डिनर डेट पे मत लेके आया करो ठीक है और कैंसिल कोई भी डिनर पे नहीं लेके जाना चाचा को अभी स्टिकिंग सुशी सूप पियो और दाल खाओ सही है यार बस मेरे को अपना वेट 52 केजी करना है और तो मैं ऐसे ही हो जाऊंगी कर कर वेरी गुड कर तो मैं दिखूंगी नहीं एक बार पता मैंने अपना वेट 53 केजी कर लिया था जब मैं कॉलेज टाइमिंग में थी मैं अंडर वेट हो गई थी 52-53 में और मैं ना ऐसी सुखी हड्डी नहीं जैसे होती जैसे कोई कुपोषण की शिकार बंदी होती है वैसे बन गई थी माल न्यूट्रिशन और मेरी मम्मी मुझे कह रही है तू क्या बन गई है घी खा गई
लिटरली यार वो बहुत ही गंदी लगती थी, मैं मतलब ऐसे गंदे से दांत बाहर आ गए थे मेरे। गाइस ये जो ब्रांड है ना लुलुमन, ये बहुत अच्छी चल रही है पूरे वर्ल्ड में, यूएसए में तो कहते हैं धमाल मचाई हुई है, बहुत जबरदस्त बिक रही है। इज इट लाइक अ गुड प्राइस? मतलब आई थिंक द क्लोथिंग आर विद समथिंग मिक्स्ड विद समथिंग, मतलब अच्छी एकदम प्रीमियम क्लोथिंग है। ओके हमने कभी वैसे ट्राई नहीं किया शायद, है ना, कर लेंगे ले लेंगे।